मैं प्रिया आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से तैयारी जारी है। इस बीच मंगलवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने सड़कों पर उतरे तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा किए गए प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी मंत्री शांति धारीवाल के भ्रष्ट आचरण और राज्य में खानों और जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों का पर्दाफाश करेगी। प्रदर्शन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीणा ने दावा किया कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, लेकिन जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच की अनुमति मांगी तो मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।